हेलो गाइस, टुडे वी डिस्कस ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। आपने रूल्स तो बहुत सारे किए होंगे आर्टिकल्स के, कहाँ कहाँ हम आर्टिकल फिल करते हैं, लेकिन ये आपको बहुत कम ऐसी सिचुएशंस मिलेंगी या कुछ कंफ्यूजिंग की सिचुएशन मिलेंगी जहाँ आपको ये पता नहीं चलता कि कहाँ हम आर्टिकल फिल करें और कहाँ उनको रिमूव करें, कहाँ उनको ओमिट करें। तो आज हम डिस्कस करते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स कि कहाँ हमने आर्टिकल नहीं लगाना, किस सिचुएशन में हमने आर्टिकल को नहीं लगाना। तो नेवर यूज फ्रेंड्स, नेवर यूज आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। नेवर यूज, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, नेवर यूज एनी आर्टिकल before proper noun, abstract noun and material noun. As you know, what is proper noun, abstract noun and material noun? इनका आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रॉपर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, प्रॉपर पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, वी कांट डोंट टच, ओनली कैन फील, एंड मटेरियल नेम ऑफ सब्सटेंस। तो इन सब के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा। और कुछ एग्जाम्पल आपके सामने, विजडम इज better than wealth. Wisdom is better than wealth. Wisdom क्या है friends? ये abstract noun है और wealth भी क्या है? एक abstract noun है और दोनों से पहले हमने कोई article put नहीं करना। अगर हम कर देते हैं the wisdom is better, no, it is wrong. इट इज रोंग। अगर हमने विजडम से पहले द फिल किया है तो ये रोंग है, क्योंकि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल फिल नहीं होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, ऑयल इज लाइटर देन वॉटर। ऑयल इज लाइटर देन वॉटर, ऑयल क्या है स्टूडेंट्स, आप बताओगे मुझे? मटीरियल नाउन है और इस मटीरियल नाउन से पहले हमने कोई आर्टिकल फिल नहीं करना, सिर्फ क्रॉस लगा देना है, क्योंकि ऑयल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वाटर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनसे पहले कोई आर्टिकल फिल नहीं होगा। अगर ये किसी स्पेशल केस में दिए गए हैं तो हम आर्टिकल का यूज करेंगे, अदरवाइज हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। किससे पहले? प्रॉपर नाउन से पहले। प्रॉपर नाउन का भी एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, is a great poet and philosopher. Philosopher. Tagore is a great poet and philosopher. देखिए students, Tagore क्या है? Proper noun है और proper noun से पहले हमने कोई article fill नहीं करना। यहां हमने एक article fill किया, great poet and philosopher. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक रूल और क्रिएट हो जाता है कि अगर हम यहाँ पर दोनों जगह पे आर्टिकल लगाते, अ ग्रेट पोएट एंड अ फिलोसोफर, मींस हम दो आदमियों की बात कर रहे होते, लेकिन अब यहाँ हम एक ही आदमी की बात कर रहे हैं, सिर्फ टैगोर की बात कर रहे हैं, वही ग्रेट पोएट है और वही ग्रेट फिलोसोफर है। तो इससे हमें दोनों चीजों का पता चल रहा है, अगर ये यहाँ पे दोनों जगह पे आर्टिकल आता तो हम यहाँ पर आर का यूज करते और दो आदमियों की बात हम करते। अब ये सिंगल पर्सन की बात हो रही है कि टैगोर ही है वो व्यक्ति जो ग्रेट पोएट भी है और फिलोसोफर भी है, और प्रॉपर नाउन से पहले हमने कोई आर्टिकल फिल नहीं करना। अंडरस्टैंड दिस रूल, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रूल। नेक्स्ट वी गो टू द नेक्स्ट रूल, नेवर यूज आर्टिकल, यूज आर्टिकल व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड इन widest sense, जब broad में, wide sense में use किया जाता है common noun को,
तो हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। मैन क्या है? मैन एक कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन से पहले मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल। फ्रेंड्स इससे पहले कोई आर्टिकल फिर नहीं होगा क्योंकि मैन क्या है? एक कॉमन नाउन है और इसको वाइड सेंस में यूज किया गया है, इसलिए कोई आर्टिकल फिल नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिएगा, द बॉयज, सॉरी, बॉयज प्ले विद बॉल्स। बॉयज किससे? ये बॉयज जो है ये वाइड सेंस में यूज किया गया है, इससे पहले ये किसी स्पेशल बॉयज की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ ये कॉमन नाउन है और इसको वाइड सेंस में यूज किया गया है, इसीलिए इससे पहले कोई आर्टिकल फिल नहीं होगा। क्लियर दिस रूल? नेक्स्ट वी गो टू द नेक्स्ट रूल, नेवर यूज आर्टिकल्स, आर्टिकल्स बिफोर एनी लैंग्वेज, बिफोर एनी लैंग्वेज। बिफोर एनी लैंग्वेज देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ही टीचेस इंग्लिश, ये क्या है स्टूडेंट्स? इंग्लिश। इंग्लिश जो है यहाँ एक एज ए सब्जेक्ट है, एज ए लैंग्वेज है, तो इससे पहले हम कोई आर्टिकल फिल नहीं करेंगे। और अगर हम बात करते हैं इंग्लिश पीपल की तो हम क्या लगाएंगे? द। देखिएगा अब इंग्लिश सब्जेक्ट की बात हमने की थी या लैंग्वेज की बात हमने की थी तो हमने कोई आर्टिकल फिल नहीं किया। अब देखते हैं द इंग्लिश पीपल, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। देखिएगा द इंग्लिश, अब द इंग्लिश का मतलब यहाँ पे द लैंग, ये इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज नहीं है, बट क्या है ये? यहाँ के लोगों की बात की गई है, यहाँ के लोगों की बात की गई है। कौन से लोग? इंग्लिश पीपल की बात की गई है, द पीपल ऑफ इंग्लिश नेशन। तो यहाँ पर इसीलिए हमने किसका यूज किया? द का यूज किया, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। ये इंग्लिश क्या है? ये एज ए सब्जेक्ट, एज ए लैंग्वेज यूज की गई है, यहाँ पर कोई आर्टिकल फिल नहीं होगा। अंडरस्टैंड? नेवर यूज आर्टिकल्स, नेवर यूज आर्टिकल्स बिफोर एनी स्पोर्ट या गेम हम कह सकते हैं, डिजीज, डिजीज। देखिए ही प्लेज हॉकी, ही प्लेज हॉकी। स्टूडेंट्स हॉकी क्या है? नेम ऑफ अ गेम, किसी स्पोर्ट्स का नेम है, तो यहां हम कोई आर्टिकल फिल नहीं करेंगे अगर ये प्राइमरी फंक्शन के लिए यूज किया गया है। देखो स्टूडेंट्स दो तरह के फंक्शन होते हैं किसी भी यूजेस के, एक प्राइमरी फंक्शन होता है, एक सेकेंडरी फंक्शन होता है। अगर हम प्राइमरी फंक्शन के लिए, ही क्या है? कोई ना कोई नाउन है और वो क्या खेल रहा है? खेलता है, हॉकी खेलता है, तो नेचुरली है कि हॉकी खेलने के लिए ही बना हुआ है और उसको खेला जा रहा है, किसी स्पेशल सेंस में नहीं बट एक जनरल सेंस में खेला जा रहा है, तो एक प्राइमरी फंक्शन के लिए यूज किया गया। इसीलिए अगर इनको प्राइमरी फंक्शन के लिए यूज किया गया है तो कोई आर्टिकल फिल नहीं होगा। अब जैसे डिजीज देखिए, ही डाइड ऑफ मलेरिया, मलेरिया। मलेरिया क्या है? डिजीज है, और डिजीज से पहले हमने क्या फिल करना है? कोई आर्टिकल फिल नहीं करना क्योंकि एक जनरल सेंस की बात है, डिजीज से आदमी मरते ही मरते हैं, ये किसी स्पेशल सेंस में नहीं आई, ये अपने प्राइमरी फंक्शन के लिए ही है। अगर हम इसको सेकेंडरी फंक्शन के लिए यूज करते तो हम द आर्टिकल का यूज करते। देखिएगा इसी का हम सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, मलेरिया ब्रोक आउट इन 1970
एंड इट टुक द लीव्स ऑफ थाउजेंड पीपल। देखो हमने पहले वाले यूजेस में किया था मलेरिया से पहले कोई आर्टिकल फिल नहीं किया था, लेकिन यहां जो मलेरिया है वो एक स्पेशल सेंस में आई है। यहां मलेरिया की एक स्पेशल रेफरेंस आया है, सेकेंडरी पर्पज के लिए इसको यूज किया गया है। तो इससे पहले हमने किसका यूज किया? द का यूज किया। अदरवाइज किसी भी डिजीज, किसी भी गेम, किसी भी स्पोर्ट्स के नेम से पहले कोई आर्टिकल फिल नहीं होगा अगर वो जनरल सेंस में यूज किए गए हैं। नेक्स्ट वी गो टू द नेक्स्ट रूल। Before any meal, never use articles before any meal. Meal क्या होता है students? Meal भोजन के लिए use किया जाता है, और भोजन हम lunch करते हैं, dinner करते हैं, breakfast करते हैं, इनसे पहले कोई article फिल नहीं होता। As lunch हो गया, dinner हो गया, breakfast हो गया, etc. इनसे पहले कोई article फिल नहीं होता। हम एक example लेते हैं। See. Takes lunch. She takes lunch at 11 a.m. She takes lunch at 11 a.m. Lunch आया हुआ है, और वो एक जनरल सेंस की बात की गई है कि भी उसने लंच वो लेती है कितने बजे लेती है? 11 a.m. यहां कुछ नहीं फील होगा। और अगर यही लंच सी She took dinner at hotel given by her aunt. देखिए students, यहां हम बात करते हैं डिनर की ही बात करते हैं। यहां हमने लंच की बात की थी, वो डिनर लेती है, होटल में लेती है, और किसके द्वारा दिया गया डिनर लेती है? आंट के द्वारा दिया गया डिनर लेती है। तो यहां पर एक स्पेशल सेंस की बात की गई, ये जनरल सेंस की बात नहीं की गई। तो यहां हम क्या लगाएंगे? द। सी टुक द डिनर। कौन सा डिनर लिया? होटल में लिया। किसके द्वारा दिया गया? लिया आंट के द्वारा दिया गया लिया। तो इसीलिए हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे द का यूज करेंगे। क्लियर दिस रूल? Next, we go to the next rule. Never use articles before before in certain prepositional phrases. कौन से prepositional phrases? By hand, in hand, इनसे पहले कोई, इनके बीच में कोई आर्टिकल फिल नहीं होगा। On foot, by air, etc. देखिए कुछ फ्रेजेस हैं ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। इस तरह की जो फ्रेजेस होती हैं उनके बीच में कोई आर्टिकल फिल नहीं होता। In hand, by hand, on foot, by air. Now we go to the next rule. Never use articles before such nouns like school, colleges, home, church. Temple, hospital. There are so many nouns. Hospitals. देखिएगा, never use articles before such nouns. School है, colleges है, home है, church है, temple है, hospitals है, etc. देखिए students, आपको rule से clear शायद नहीं होगा, आपको example से clear होगा। He goes to school daily at 8 a.m. बात कर रहे हैं हम स्कूल की, और वो डेली जाता है स्कूल कितने बजे जाता है? 8 a.m.
इट मीन्स वो एक स्टूडेंट है और उसका स्कूल क्या है, स्कूल जाना उसका नेचुरल है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे, कोई आर्टिकल फिल नहीं करेंगे। और अगर हम जाते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी फंक्शन को दिखा रहा है, प्राइमरी फंक्शन क्या है, एक बच्चे का स्कूल जाना, और अगर किसी सेकेंडरी पर्पज की बात की गई है तो हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसी का, ही वेंट टू द स्कूल, ही वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, टू मीट द प्रिंसिपल। अब यहां हमने इसी स्कूल के लिए द का यूज किया, क्यों किया, क्योंकि ये हमारा सेकेंडरी पर्पज है। अगर प्राइमरी पर्पज रेफर किया गया है तो हम कोई आर्टिकल फिल नहीं करेंगे, और अगर सेकेंडरी पर्पज की बात की गई है तो हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे हमने स्कूल के ही दो एग्जांपल लिए, इन द सेम वे नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, द इंजर्ड पर्सन द इंजर्ड पर्सन वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। देखिए ये एग्जाम्पल है आपके पास, द इंजर्ड पर्सन वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, एक रिदम मिलाएंगे और रिदम के साथ द फील कर देंगे, क्योंकि वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, भाग के करेंगे वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, नहीं, ये प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन के लिए एक इंजर्ड व्यक्ति को कहाँ ले जाया जाएगा, एक इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल ही ले जाया जाएगा, ये जनरल सी बात है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम क्रॉस यूज करेंगे, नो आर्टिकल इज फिल्ड इन द ब्लैंक्स हेयर, कोई आर्टिकल यहाँ इस ब्लैंक्स में फिल नहीं होगा, क्योंकि ये एक जनरल सेंस की बात की गई है, किसी स्पेशल सेंस की बात नहीं की गई। और इसी तरह से सभी तरह के एग्जांपल्स हैं, सभी तरह के एग्जांपल्स ऐसे ही हैं कि अगर इनको किसी जनरल सेंस में यूज किया गया है तो कोई आर्टिकल फिल नहीं होगा, और अगर इनको स्पेशल सेंस में यूज किया गया, सेकेंडरी पर्पज के लिए यूज किया गया है इन नाउंस को, तो हम क्या लगाएंगे, हम द का यूज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ subscribe it.